तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हुए कर्नाटका बीओई 2022 में पूछे गए क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, ये पेपर टू का पार्ट बी क्वेश्चन नंबर है। तो पार्ट वन में टोटल एमसीक्यू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम लोग पार्ट बी में 10 क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और इस क्वेश्चन में करना क्या है कि ये यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है जिसमें देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसमें ये बताना है कि सही है या गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसटीपी इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 730 mmHg। तो देखिए, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना अज्यूम करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस अज्यूम करते हैं। बट प्रेशर की अगर बात किया जाए तो प्रेशर होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहाँ पे देखिए 730 mmHg दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितना mmHg होता है, तो 760 mmHg होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होगा, गलत होगा, यानी कि पहले का जो होगा वो है फॉल्स। अभी हम लोग सेकंड देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 kg ऑफ सल्फर रिक्वायर्स 1 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 2 kg ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि 1 kg सल्फर को 1 kg ऑक्सीजन के साथ जलाने के बाद 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि S+O2 बराबर SO2 होता है, तो सल्फर का हमारा 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 और O2 2 है, यानी कि 16 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 + 16 × 2। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो 1 kg सल्फर को 1 kg ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग ऐड करते हैं तो 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि थर्ड नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकोनोमाइजर डिक्रीजेस द स्टीम राइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉयलर। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम लोग इकोनोमाइजर लगाते हैं तो बॉयलर में जो स्टीम प्रोडक्शन करने का जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी हम लोग इकोनोमाइजर लगाते हैं तो हमारा जो स्टीम राइजिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा थर्ड का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। तो थर्ड का हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो देखिए, ये हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ये हमारा ट्रू है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा सही है, गेज प्रेशर यहाँ पे दिया है वैक्यूम प्रेशर, तो वैक्यूम हमारा निगेटिव में होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा गेज प्रेशर के जगह पे अगर हम लोग डायरेक्टली वैक्यूम प्रेशर रखेंगे तो हम लोग का जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो चलिए नेक्स्ट यानी कि फाइव नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द हीटिंग सरफेस ऑफ वाटर ट्यूब वॉलर इज मच मोर इफेक्टिव देन एन इक्विबैलेंट एरिया ऑफ सरफेस इन फायर ट्यूब वॉलर, यानी कि एक हमारे पास वाटर ट्यूब वॉलर है और दूसरा हमारे पास फायर ट्यूब वॉलर है, और दोनों का जो हीटिंग सरफेस एरिया है वो सेम है, तो इनमें से जो बेस्ट होगा, जो मतलब मोस्ट इफेक्टिव होगा वो कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा वाटर ट्यूब वॉलर है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वाटर ट्यूब वॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू फायर ट्यूब वॉलर। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ सीमलेस और वेल्डेड ट्यूब और ड्रम अंडर इंटरनल प्रेशर द टेंडेंसी टू स्प्लिट लेंथ वाइज इज डबल द टेंडेंसी टू स्प्लिट अराउंड, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हमारे पास ड्रम है या कोई वेल्डेड ट्यूब है या कोई सीमलेस ट्यूब है,
उसमें इंटरनल प्रेशर, जैसे कि हमारा स्टीम है, ड्रम के अंदर स्टीम है तो वो क्या करेगा, इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेगा, या किसी भी ट्यूब के अंदर अगर स्टीम है तो या वाटर है तो वो क्या करेगा, इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसमें हमारा जो फेलियर होने का जो चांस होता है वो लेंथ वाइज जो है, यानी कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल की बात किया जा रहा है, और दूसरा होता है सर्कमफ्रेंसियल, यानी कि अराउंड में। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ड्रम के अंदर जो इंटरनल प्रेशर है उसकी वजह से टेंडेंसी टू स्प्लिट, यानी कि हमारा किसी भी ट्यूब का या कोई हमारा ड्रम का स्प्लिट होना, यानी कि दो पार्ट में ब्रेक होना, उसका जो टेंडेंसी होता है वो लेंथ वाइज डबल है कंपेयर टू हमारा सर्कमफ्रेंसियल, यानी कि जब हमारा इंटरनल प्रेशर किसी भी ड्रम के अंदर रहेगा तो हमारा लेंथ वाइज जल्दी फेलियर होगा, या सर्कमफ्रेंसियल यानी कि मतलब परिधि की तरफ से ज़्यादा फेलियर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा जो इसमें दिया गया है कि जो लेंथ वाइज है फेलियर होने का चांसेस डबल होता है कंपेयर टू सर्कमफ्रेंसियल, जबकि हम लोग ये जानते हैं कि सर्कमफ्रेंसियल स्ट्रेस इक्वल टू होता है 2 times लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि जो इंटरनल प्रेशर है वो सर्कमफ्रेंसियल स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इस तरह से हमारा जो फेलियर होने का चांसेस होगा वो सर्कमफ्रेंसियल स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो जस्ट अपोजिट बोल रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा फॉल्स होगा, यानी कि इसमें जो फेलियर होने का जो डबल चांसेस होता है वो सर्कमफ्रेंसियल होता है न कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि 7 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है द रैंकाइन साइकिल कंप्राइज 2 isobaric एंड 2 isentropic प्रोसेस, यानी कि रैंकाइन साइकिल में हमारा 2 isobaric यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस होता है वो होता है, और 2 isentropic यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है वो करेक्ट है, क्योंकि जब हम लोग रैंकाइन साइकिल के बारे में डिस्कस किए थे तो उसमें देखे थे कि हमारा रैंकाइन साइकिल में 2 isobaric प्रोसेस होता है और 2 isentropic प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा बीएफपी से क्या किया जाता है, बॉयलर में पानी हाई प्रेशर पे भेजा जाता है, तो बीएफपी पे जो प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, और उसके बाद हमारा जो बॉयलर के अंदर जो हीट का एडिशन होता है वो आइसोबारिक प्रोसेस होता है, और उसके बाद हमारा टर्बाइन के अंदर जो एक्सपेंशन होता है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, और उसके बाद जो हमारा कंडेंसर के अंदर हीट का रिजेक्शन होता है वो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा कंडेंसर में बॉयलर में आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, और बीएफपी में और टर्बाइन के अंदर हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। तो 7 का जो आंसर होगा वो क्या है, ट्रू होगा, यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि 8 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट इज लोअर ऑन लीविंग द कंडेंसर, यानी कि जो कंडेंसेट कंडेंसर से जो लीव करता है, यानी कि कंडेंसर से जो कंडेंसेट निकलता है उसका टेम्परेचर कम होगा, किससे, तो सर्कुलेटिंग वाटर से, यानी कि कंडेंसर के अंदर जो वाटर सर्कुलेट करता है, यानी कि ट्यूब के अंदर जो वाटर सर्कुलेट करता है उससे जो कंडेंसेट टेम्परेचर है वो कम होगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सर्कुलेटिंग वाटर है उससे कभी भी हमारा कंडेंसेट का टेम्परेचर कम हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमारा 8 का जो आंसर होगा वो क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि 9 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड लैटेंट हीट, यानी कि जब हम लोग किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जब हमारा एक फेज से दूसरे फेज में जब हमारा कन्वर्ट होता है उस समय जो हम लोग हीट का एडिशन करते हैं उसको कौन सा हीट बोला जाता है, तो उसको लैटेंट हीट ही बोला जाता है। तो इस तरह से 9 का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि फेज चेंज करने के दौरान जो हम लोग हीट एडिशन करेंगे उसको लैटेंट हीट ही बोला जाता है, और केवल सेम फेज का अगर हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना है तो उस टाइप का जो हीट एडिशन करेंगे तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो 9 का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट और लास्ट यानी कि 10 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्राई स्टीम इज फर्दर हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू मेक सुपर हीटेड स्टीम, यानी कि ड्राई स्टीम को, यानी कि ड्रम से जो स्टीम निकलता है और सुपर हीटर में जो जाता है उसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट एडिशन करेंगे तब जाके वो सुपर हीटेड स्टीम होगा, इस स्टेटमेंट में यही पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर के अंदर जो हीट का एडिशन होता है वो आइसोबारिक होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन होता है, यानी कि ड्राई स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन करते हैं। तो इस तरह से हमारा 10 का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इस तरह से हम लोग
पार्ट बी का 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।